देखते हैं हम लोग। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, चलिए पहले इसका फिगर यहाँ पे बनाते। देखिए इस फिगर से कोई खास मतलब नहीं है, हम लोग अपना फिगर बनाते हैं। देखिए ये आपका एक भूमि का तल हो गया, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, एक लड़की खड़ी है, कितनी है तो 1.2 मीटर लंबी है, वो एक गुब्बारे को देख रही है। ठीक है, यानी ये मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं ना फिगर में, यहाँ ये गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, इस गुब्बारे को ये देख रही है लड़की। अच्छा देख रही है, इस तरह से कोण बन रहा होगा उसमें, समझ रहे ना, कोण बन रहा होगा। ठीक है, चलिए तो इसको ऐसे मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये आपका गुब्बारे को देख रही है, तो गुब्बारा जो होगा धरती के तल से कुछ ऊंचाई पे होगा। ठीक है, तो देखिए ये धरती का तल ये है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना दिया है, ये दिया है टोटल 88.2 मीटर पूरा दिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 88.2 मीटर, समझ रहे हैं। अच्छा लड़की की ऊंचाई क्या है, तो लड़की की ऊंचाई जो है लंबाई जो है 1.2 मीटर है, ये आपकी 1.2, तो यहाँ से यहाँ भी 1.2 मीटर हो जाएगा, 1.2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब देख रही है, गुब्बारे को देखती है, ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ से उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, समझिए फिर से, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, देखिए ये भूमि हो गया, भूमि पर ये एक लड़की हो गई, ये क्या देख रही है, तो ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, क्षैतिज रेखा में उड़ा, यानी गुब्बारा यहाँ है, फिर इसी रेखा में सीधा ऐसे उड़ा है, क्षैतिज में, समझ गए ना, इसी सीध में उड़ेगा गुब्बारा, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, समझ गए। चलिए यही कह रहा है कि क्षैतिज रेखा में ये जो गुब्बारा उड़ रहा है उसको ये देख रही है, किसी भी क्षण लड़की कि आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ से उन्नयन कोण क्या है, इस गुब्बारे को देख रही है यहाँ पे, तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब देखिए कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा कुछ समय बाद ये जब क्षैतिज रेखा में चल रहा है गुब्बारा, तो यानी कुछ समय बाद यहाँ पे ये गुब्बारा पहुंच जाएगा, तो जब इस यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर गुब्बारे को देखती है, कौन देखता है, लड़की देखती है, तो गुब्बारे को जब देखती है तो अब की बार उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है आपका, 30 डिग्री हो जा रहा है घट के, यानी अब इस पे कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए यानी अब की बार ये वाला जो कोण है आपका 30 डिग्री है, समझ गए बात को। चलिए तो ये क्षैतिज रेखा में ही गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है, तो जो हम लोग एक्स्ट्रा ये लाइन खींचे हैं पहले इसको तो हटा देते हैं, इससे कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए, ये आपका फिगर बन गया। अब थोड़ा यहाँ समझिए, देखिए ये कुल कुल जो है 88.2 मीटर है। ठीक है, और लड़की की ऊंचाई जो है ये आपका 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर लंबी है। चलिए अब यहाँ थोड़ा नाम दे दीजिए, ए इसका नाम देते हैं, इस बिंदु का बी, ठीक है, यहाँ पे सी दे देते हैं, यहाँ डी दे देते हैं, यहाँ ई देते हैं, जैसी ज़रूरत हो। चलिए और भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच, और कोई खास मतलब तो है नहीं। आपको क्या करना है इसके बाद, कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी आपको यहाँ से ये बीसी का या जीएफ का मान निकालना है, यही निकालना है, यहाँ से यहाँ कहिए या यहाँ से यहाँ कहिए, एक ही बात होगा। चलो तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स मीटर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि माना 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 गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर में एक्स मीटर। ये तय की गई दूरी क्या है, एक्स मीटर है, समझ गए। चलिए और मान लेते हैं प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में हम लोग ये गुब्बारे से इस लड़की की दूरी यहाँ पे कितनी है, वाई मीटर मान लेते हैं, ये वाला वाई मीटर मान लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रारंभ में है ना, प्रारंभ में लड़की से गुब्बारे के लंबवत
लंबवत बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, लंबवत बिंदु की दूरी वाई मीटर। समझ गए ना, गुब्बारे से जो लंबवत बिंदु है यहाँ पे इसकी दूरी क्या है, वाई मीटर है। चलिए ये वाई है तो ये वाई हो जाएगा, समझ ना बात को, और ये आपका एक्स है तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ समझना है, यहाँ देखिए ये जो लड़की है इसकी लंबाई 1.2 है, तो यहाँ भी 1.2 ले सकते हैं और ये भी 1.2 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि इस डीसी की लंबाई बताइए, ये डीसी क्या होगा, तो आप डीसी बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, डीएफ फिगर में देखिए माइनस में सीएफ, डीएफ यानी पूरा और ये सीएफ घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, यानी यहाँ से घट के आ जाएगा 87 मीटर, यानी इसका मान क्या आ गया 87 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी आप लिख सकते हैं 87 मीटर। समझ गए, 87 मीटर, समझ गए। चलिए अब लिख के चलते हैं एक करके दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ई ए बी में, देखिए ध्यान से ई ए बी में, इसमें तो आपको पता है यहाँ भी टेन ही लगाना है, तो आप तो पहले से फॉर्मूला जानते ही हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। चलिए तो ई ए बी में हम लेंगे टेन साठ, टेन साठ देखिए ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण ये लेंगे, तो लंब हो जाएगा आपका ई बी और बटा में आधार हो जाएगा आपका ए बी, हो जाएगा ना आधार ए बी। चलिए अब यहाँ पे टेन साठ का तो मान आपको पता है रूट थ्री, अच्छा ई बी है आपके पास 87 और ए बी है, ए बी है, ए बी है आपके क्या है, तो ए बी का मान है यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा वाई, ए बी का मान वाई है। चलिए इसको यहाँ लाते हैं, रूट थ्री वाई बराबर हो जाएगा 87, इसको भाग में भेज दे क्या, यानी वाई बराबर 87 बटा में रूट थ्री, परिमेयकरण कर देते हैं रूट थ्री रूट थ्री, यानी यहाँ से आपका वाई का मान निकल जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा 87 रूट तीन बटा तीन, तीन से इसको काट देते हैं, तो तीन से काटिएगा तो तीन दूना छः और तीन नवा 27, वाई का मान क्या आ जाएगा 29 रूट थ्री मीटर, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद अब हमें लेना होगा दूसरे बड़े वाले त्रिभुज में, हम लोग लेंगे त्रिभुज डी ए सी में, देखिए डी ए सी में इसमें लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए तो आप लेंगे टेन तीस ना, तो टेन थर्टी बराबर हो जाएगा लंब यानी कि डी सी है ना, और बटा में आधार आपका ए सी हो जाएगा, इसका मान होता है 1/√3, अच्छा डी सी है 87, ठीक है, और आपका ए सी क्या होगा, तो ए सी हो जाएगा वाई प्लस एक्स, टोटल वाई प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई प्लस एक्स बराबर में 87√3, 87√3, अब वाई का मान यहाँ रख देना, चलिए तो वाई का मान जो है 29√3 यहाँ रख देते हैं, वाई का मान है 29√3 प्लस एक्स बराबर में 87√3, चलिए इसको ले जाकर उधर घटा देंगे ना, तो एक्स बराबर आ जाएगा 87√3 और माइनस में 29√3, चलिए इसको घटा देते हैं, तो घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 58√3, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 58√3 मीटर। इसलिए इसलिए क्या होगा, गुब्बारे द्वारा गुब्बारे द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर में हो जाएगा 58√3 मीटर। समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन ना थोड़ा सा लंबा है, इसलिए अब इसमें बनाना मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, और अपने दोस्तों के पास सभी वीडियोज़ को शेयर भी करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी आप लिंक की जरूरत होगी ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301 77 88 और 99 पे व्हाट्सअप एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कभी नहीं करेंगे, व्हाट्सअप एसएमएस करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप एसएमएस के जरिए जो भी आपको लिंक की जरूरत होगी, हम सब आपको लिंक वहां सेंड कर देंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी दोस्तों को बताएं कि ये हमारे वीडियोज कैसे, और सबको शेयर भी करें ना, तो आप इस तरीके की वीडियो किसी और चैनल पर मिलेगा नहीं आपको, और इस तरह से सही तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। इतने ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें, ठीक है, भूले नहीं। आप वीडियो देखते हैं तो उसको कम से कम एक लाइक देने में आपको कुछ नहीं जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।